अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समो का ढाबा। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और नागहानी आफात से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। यकीनन आपको समो के ढाबे पे बनाई जाने वाली रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही होंगी और मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं उसको। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल और थोड़े डिफरेंट स्टाइल का चिकन का पुलाव बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़े और मज़ेदार मसालों के साथ, और उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा यकीनन आप सबको पसंद आएगा। उसके लिए मैंने लिया है एक चिकन, इसके मैंने चार पीसेस करा लिए हैं, ठीक है। एक चिकन के चार पीसेस हैं, ठीक है, ये देखें। उसके बाद जो मैं ऐड करूँगी 1 लेमन जूस है, अगर आपके पास सिरका है सफ़ेद सिरका तो वो भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून मेरे पास है हल्दी। चलें जी, ये मैं अब जिसमें, और हम इस चिकन को करेंगे स्टीम, ठीक है, इसमें कट्स नहीं लगाए हुए। ये मैं चिकन को इसमें डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इस पर लेमन जूस और ये सारे मसाले, बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको अच्छी तरह ये मलूंगी, चिकन के पूरा अच्छी तरह इसको हम ये मिक्स करके, अब मैं इसको क्या करूंगी, सबसे पहले इसको स्टीम करेंगे हम। अब आप लोग कह रहे होंगे चावल तो हमें नज़र नहीं आ रहे, सबसे पहला स्टेप मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद चावल वगैरह भिगो दूँगी। आपको पता है कि चावल बहुत ज़्यादा देर तो नहीं भिगोने, तो 2 कप राइस लूँगी मैं। चलें, अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ, थोड़ा सा ये स्टीम हो जाए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ। इन द मीन वाइल मैं चावल सोक कर लूँगी, ठीक है। चलें जी, आप जल्दी से जाएं, और आपको पता है आपने क्या करना है, समो का ढाबा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, समो का ढाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने अब इसको चूल्हे पे रख दिया स्टीम होने के लिए, इसका ढक्कन रख दूंगी और इसका पानी खुद ही निकल आएगा, ठीक है, और उसी में ये अच्छा सा गल जाएगा। चलें, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ये देखें। चलें, अब हम इसको ढक देते हैं और फिर हम वेट करते हैं इसके स्टीम होने का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा पानी ड्राई हो गया और चिकन जो है बिल्कुल डन हो गया। अब मैंने क्या किया है, ये मैं उठाती हूँ और मैंने ऑयल रखा हुआ है साथ ही। अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल में मैं चिकन को करूंगी फ्राई। बस मैंने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला, उतना ही डाला है जिसमें ये फ्राई हो जाए। अच्छा सा इसको ब्राउन करना है हमें, ये फ्राई होता है अच्छा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया। वो होता है वो भी मैं बता दूँगी, और इसके बाद हम चावलों की तैयारी करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कढ़ाई से ही मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर,
तकरीबन क्वार्टर कप जितना, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखें साबुत गरम मसाला डालूंगी, ये छोटे छोटे तेज पत्ते हैं, मोटी इलायची है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 7-8 लौंग हैं, ये छोटे छोटे 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी है ये 2 टुकड़े और 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टर करूँगी और जैसे ये क्रैकल होगा इसका, और फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। आप जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये जो डॉग की आवाज आ रही है प्लीज इसको इग्नोर करें, ठीक है। ठीक है, एक प्याज है, 2 में इसके अंदर डालूंगी चिकन क्यूब्स, और अभी मैं इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून वो डालूंगी नमक, ताकि क्योंकि आपको पता है मैंने चिकन के ऊपर भी थोड़ा सा नमक लगाया था और चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है इसीलिए। और 3 कप मैंने राइस के रखे और उसको मैंने सोक कर लिया था। ये प्याज, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, ये देखें क्यूब और ये नमक, बिल्कुल लाइट ब्राउन करूंगी, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूंगी, ठीक है ना। चलें ये ब्राउन होता फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्याज हमारा हो गया है ब्राउन, ठीक है, बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना ही ब्राउन करना। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसमें हम डालेंगे चावल। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, इसका अच्छा रंग निकल आया, ठीक है प्याज का। अब मैं इसमें बाकी पानी डालने लगी और अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये देखिए राइस इसमें डालें, मैं इसको पकाऊंगी और जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना, जब दम लगाने से पहले, तब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी ताकि स्टीम में वो अच्छा सा और सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, ये बिल्कुल सिंपल से राइस है, कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करना तो आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट ही पसंद है इसलिए लाइट ही बना रही हूँ। चलिए ये ड्राई होता है फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। ये मैंने बासमती राइस लिया, इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। और ये जो चिकन फ्राई किया था अब ये इसके ऊपर रख लेंगे, इसको दम पे रखते हैं
और फिर आपको दिखाते हैं। ये स्टीम में बहुत अच्छा सा चिकन और ज़्यादा नरम हो जाएगा और फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसको दम पे रखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे दम पे बिल्कुल आ गए, ये देखें। ठीक है, ये मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने डिस्प्ले कर दिया है और खाना खाने लगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।